गूगल ड्राइव की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे एमएस ऑफिस की फाइल्स को गूगल ड्राइव में उपयोग करना और गूगल ड्राइव की फाइल्स को एमएस ऑफिस में उपयोग करना। नमस्कार दर्शकों, अभी तक हम आपके लिए गूगल ड्राइव पर आधारित कुछ वीडियोस बना चुके हैं, जिनमें हमने आपको गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स और गूगल स्लाइड्स का परिचय दिया और उनके फीचर्स तथा ऑप्शंस के बारे में बताया। इन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक और ज्ञानिया के द्वारा बनाई गई अन्य वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली ईआरपी 9 इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट की फाइल्स को गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स और गूगल स्लाइड्स में उपयोग कर सकते हैं और किस तरह से गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स और गूगल स्लाइड्स को एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट में उपयोग कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि एमएस ऑफिस की एक्सेल वर्कबुक को गूगल ड्राइव की गूगल शीट्स में किस तरह उपयोग करेंगे। इसके लिए हमने पहले से ही अपनी गूगल ड्राइव ओपन की हुई है। यहाँ हम आपको बता दें कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की किसी भी फाइल को गूगल ड्राइव पर उपयोग करने के लिए आपको उस फाइल को गूगल ड्राइव में अपलोड करना होगा। गूगल ड्राइव में फाइल अपलोड करने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे प्लस के निशान पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपलोडिंग से संबंधित दो ऑप्शंस दिखेंगे। पहला, फाइल अपलोड, जिसकी सहायता से आप अपने कंप्यूटर में सेव की गई कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, और दूसरा, फोल्डर अपलोड, जिसकी सहायता से आप अपने कंप्यूटर में सेव्ड एक पूरा फोल्डर अपलोड कर सकते हैं। हम फिलहाल फाइल अपलोड ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। फाइल अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होगी। इसकी सहायता से आपके कंप्यूटर के उस लोकेशन पर जाएं जहां आपने फाइल सेव की हुई है। हमने अपनी फाइल डेस्कटॉप पर सेव की हुई है, इसलिए हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। डेस्कटॉप से हम ये एक्सेल वर्कबुक गूगल ड्राइव पर अपलोड करना चाह रहे हैं, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही एक्सेल वर्कबुक गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगी। इसे ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही आपकी एक्सेल वर्कबुक कुछ इस तरह गूगल ड्राइव में ओपन होगी। यहाँ हम आपको बता दें कि फिलहाल ये वर्कबुक जिस फॉर्मेट में खुली हुई है, इसे एडिट नहीं किया जा सकता है। तो जब भी फाइल इस तरह के फॉर्मेट में खुले, तो इसे एडिट करने के लिए यहाँ दिखाई दे रहे ओपन विद गूगल शीट्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ध्यान रखें, यदि आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ ओपन विद गूगल डॉक्स ऑप्शन आएगा, और यदि एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपलोड करेंगे तो यहाँ ओपन विद गूगल स्लाइड्स ऑप्शन आएगा, और फाइल को एडिट करने के लिए आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिलहाल हम ओपन विद गूगल शीट्स ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। इस पर क्लिक करते ही एक नए टैब में एक्सेल वर्कबुक गूगल शीट्स के एडिटेबल फॉर्मेट में खुल जाएगी, जिस पर आप आसानी से काम कर सकते हैं। अब इस शीट को बंद कर देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह का ऑप्शन बार बार ना आए, यानी फाइल सीधे एडिटेबल फॉर्मेट में खुले, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये हम आपको बता देते हैं। बैक एरो पर क्लिक करके दोबारा गूगल ड्राइव पर चलते हैं। यहाँ ऊपर दिखाई दे रहे सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करें, फिर ओपन हुए मेन्यू में से सेटिंग्स पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही सेटिंग्स वाली विंडो दिखेगी। इसमें आप कन्वर्ट अपलोड्स के सामने दिखाई दे रहे चेकबॉक्स पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट करें। अब डन पर क्लिक करें। डन पर क्लिक करते ही आपके द्वारा की हुई सेटिंग्स सेव हो जाएंगी, और भविष्य में आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जो भी फाइल अपलोड करके ओपन करेंगे तो वो सीधे एडिटेबल फॉर्मेट में ही खुलेगी। अब जिस तरह हमने आपको एक्सेल वर्कबुक अपलोड करके उपयोग करना बताई, इसी तरह आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को गूगल ड्राइव में अपलोड करके गूगल डॉक्स की तरह और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को गूगल स्लाइड्स की तरह उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि गूगल ड्राइव पर बने हुए गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स या फिर गूगल स्लाइड्स को
एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की तरह कैसे उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम इस गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन को अपने कंप्यूटर पर एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह उपयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इस गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना होगा। इसे डाउनलोड करने के लिए इस प्रेजेंटेशन पर राइट क्लिक करें, फिर ओपन हुए मेन्यू में से डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें। डाउनलोड पर क्लिक करते ही यह प्रेजेंटेशन आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। इसे ओपन करने के लिए यहाँ दिखाई दे रही डाउनलोडेड फाइल पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही डाउनलोड किया हुआ गूगल स्लाइड्स प्रेजेंटेशन आपके कंप्यूटर के एमएस पावर पॉइंट में खुल जाएगा। और चूंकि हमने फाइल को ऑनलाइन डाउनलोड किया है, तो इसे एडिट करने के लिए परमिशन मांगी जा सकती है। हम यहाँ दिखाई दे रहे इनेबल एडिटिंग पर क्लिक करेंगे। अब आप इस प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट में उपयोग कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि इसी तरह आप Google Docs और Google Sheets की फाइल्स को भी डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर MS Word और MS Excel की फाइल में परिवर्तित करके उपयोग कर सकते हैं। आज का अध्याय समाप्त करने से पहले हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहे हैं कि यदि आप Excel से सीधे Google Sheets में या Google Sheets से सीधे Excel पर कोई भी ऐसा डेटा जिसमें फॉर्मूलों का उपयोग किया गया हो, कट या कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो उस डेटा में दिखाई दे रही वैल्यू तो कॉपी हो जाती है, पर फॉर्मूले कॉपी नहीं होते। आइए एक उदाहरण के साथ आपको समझा देते हैं। यहाँ हमने एक्सेल में कुछ डेटा लिया है। इसमें पहले कॉलम में फ्रूट्स और दूसरे कॉलम में उन फ्रूट्स की क्वांटिटी लिखी है। इस टेबल में आखिर में हमने इन क्वांटिटीज का सम फॉर्मूले की सहायता से टोटल निकाला है। हमने टोटल के सामने वाला सेल सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार में सम फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। अब यदि इस पूरे डेटा को यहाँ से कॉपी करके गूगल स्लाइड्स में पेस्ट करते हैं, तो देखिए वैल्यूज तो पेस्ट हो गई हैं, पर जब हम टोटल के सामने वाले सेल पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार में केवल नंबर्स दिख रहे हैं, यानी सम फॉर्मूला पेस्ट नहीं हुआ है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई डेटा आपको फॉर्मूलों के साथ कॉपी करना है, तो इस वीडियो में बताए गए अनुसार एक्सेल की वर्कबुक यानी फाइल को गूगल ड्राइव में अपलोड करके गूगल शीट फॉर्मेट में खोलें। और इसी तरह गूगल शीट की फाइल को एक्सेल में उपयोग करने के लिए उसे डाउनलोड करके एक्सेल में उपयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है या फिर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ज्ञान यज्ञ के साथ। धन्यवाद।